कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे, सारे भाई फिट होंगे। तो भाई आज के वीडियो के टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज हम एक अलग ही मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करने वाले, एक बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले जो गर्मियों के टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करता है। मतलब उसकी जो जनरेशन वाइज मैं कहूंगा तो उसकी फर्स्ट जनरेशन थी वो थी वेंटिलेटेड सीट्स की। अब देखो वेंटिलेटेड सीट से आपकी सीट तो ठंडी हो जाती है, पर अगर आप पूरा सेटअप नहीं लगाना चाहते हो, वेंटिलेटेड सीट्स थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, तो उसका एक सस्ता अल्टरनेटिव भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, वो है आपके वेंटिलेटेड फैंस। जो ये प्रोडक्ट है ना, ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा होगा जिन गाड़ियों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट होते हैं, मतलब मैक्सिमम आप देखोगे आजकल हर गाड़ी में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही मिलेंगे, तो ये वहां पे बीच में आराम से फिट हो जाएगा जो उसके बीच में स्पेस रहती है वहां पे। अब कैसे वर्क करता है वो आपको बता देता हूँ। देखो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ भी वायरिंग करने की जरूरत नहीं, आपकी गाड़ी में जो नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट होगा ना आप उसके साथ इसे अटैच करके चालू कर सकते हैं, ये वर्क करने लग जाएगा। अब इसका बेसिकली काम कैसा रहेगा, कैसी हवा आएगी वो बताता हूँ आपको। तो भाई देखो ऐसा है कि ये एक तरीके से जो सीट्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, स्पेशली जो लेदर सीट्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल मोस्टली हर गाड़ी में आपको लेदर सीट्स ही मिलेंगी। जो कपड़े वाली सीट्स आती थी अब वो टाइम चले गया, अब आजकल सब बकेट फिट ये सब चले गए, तरह तरह की लेदर होती है। तो जब ये लेदर वाली सीट के ऊपर आदमी बैठता है वो भी गर्मी में, तो भाई बहुत ज्यादा पसीना निकलता है और ऊपर से सीट बहुत गर्म भी रहती है, तो उस चीज का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है तो वो है भाई। आप ये देखते हो, ये है भाई अपने सीट फैन, आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट इसका साइज है और एक पीस काफी सस्ता मिल जाता है। अब आप कहाँ से ले सकते हो इसको, देखो ये आपको लोकल स्टोर में आराम से मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। इसका जो प्राइस रहता है वो अप्रॉक्स 1100-1200 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करूं तो भाई ये आपको मैंने आपको बता दिया 1200-1300 के रेंज में देखने को मिल जाता है। इंस्टॉलेशन करना बहुत ही सिंपल है, मतलब आप कोई सी भी गाड़ी में इसको इंस्टॉल कर सकते हो, आराम से फिट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ऐसी क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल इसका इंस्टॉलेशन भी होने वाला है। सबसे पहले आपको एक इसका जो वेंट है आप देख सकते हो, ऐसा कुछ वेंट मिलता है, इसके साथ आपको ये एडजस्टमेंट भी मिल जाते हैं जो आपकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे काफी हेल्प करने वाले हैं, मैं आपको पूरा करके दिखा दूंगा एक बार। उसके बाद सबसे मेन चीज आती है वो है हमारा फैन। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा मेन फैन है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से एयर सक करता है, मतलब एयर लेता है अंदर को और यहाँ से उस एयर को पास ऑन कर देता है। अब आप ये मत समझेगा कि इससे बिल्कुल एसी की जैसी हवा आती है, ऐसा नहीं है, बस एक वेंटिलेशन करता है, हवा का जो फ्लो है उसे चालू रखता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो चार्जिंग पोर्ट में कनेक्शन है बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे आपका जो इसमें यूएसबी टाइप मिल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, बस गाड़ी में पड़ा भी हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ये पास एक चार्जर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको सीधे इसके साथ अटैच कर दूंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, चलने लग जाएगा। अब मैं इसको चार्जिंग पोर्ट में लगा के इसे चालू कर सकता हूँ। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसका बटन मिल जाता है, ठीक है, ये आपके पास इसका बटन भी रहता है, पीछे डबल साइडेड टेप है, आप इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। देखो ये उस गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट है जिस गाड़ी के पीछे भी चार्जिंग सॉकेट है, क्योंकि अपनी गाड़ी में क्या है ना कि फ्रंट में ही चार्जिंग सॉकेट है, पर जिस गाड़ी में पीछे भी चार्जिंग सॉकेट होता है उसके लिए तो भाई बहुत ही बेस्ट चीज है, क्योंकि वायर भी नहीं दिखी, कुछ भी नहीं होगा। और वायर की लेंथ की मैं बात करूँ तो लेंथ आप चेकआउट कर सकते हो कि हाँ लेंथ मुझे अच्छी खासी इसके साथ देखने को मिल जाती है, मतलब ठीक है, अभी इसको पूरा बांधा गया, जब खोलेंगे तो इसकी काफी अच्छी लेंथ मिलेगी। तो चलिए बातें हमने बहुत सारी कर ली, अब इसका इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल इसका इंस्टॉलेशन होने वाला है, सबसे पहले अपने को हेडरेस्ट चाहिए होंगे, हम इसको हेडरेस्ट से फिट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों इसका इंस्टॉलेशन करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सबसे पहले आपको दिखा दूं कि जो अपने हेडरेस्ट है, ठीक है, ये अपना हेडरेस्ट है, इसकी इस रॉड पे पूरा फिक्स होने वाला है, हम इस रॉड को सपोज यहाँ पे फिट कर लेते हैं। उसके बाद जो इसके ब्रैकेट्स मिले हुए हैं, जो ये आप देख सकते हो ना ऐसे ऊपर नीचे भी होता है, इसको हमें साइड में सिर्फ उस फैन के स्लाइड करना है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये अपना वो फैन है और इसके साइड में यहाँ पे पूरी स्लाइडिंग्स बनी हुई है, ठीक है, तो अब हम इसको सीधे ऐसे स्लाइड करके ऐसे फिट कर देंगे। सेम दूसरी साइड से भी मैं ऐसी आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा, पहले हमने क्या करा था, दोनों ऐसे वाले लगा लिए थे, बट दोनों ऐसे वाले की जरूरत नहीं थी, एक साइड से हमने सिर्फ नॉर्मलाइज लगाया हुआ और आप इसकी फिटिंग चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से फिट हो चुका है। अब इसको आप आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हो, ये अपने सीट के डिजाइन के हिसाब से कि कितने में आपका जो वेंट है वो बाहर को आना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। और एक चीज का आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका फैन है ये हमेशा ऊपर की तरफ रहे ताकि जो एयर है इसको मिलते रहे, ऐसा नहीं कि आप उल्टा करके लगा दोगे तो फिर ये एयर सक नहीं कर पाएगा और आगे से आपको जो एयर है पास नहीं हो पाएगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जो हमारे पास मेन चीज आती है वो आती है इसका फ्रंट का, बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है, ये आप चेक कर लीजिए, ठीक है, ये हमारा फिट हो चुका है अच्छे से। अब एक चीज का हम ध्यान रखेंगे कि ये बहुत आगे ना आए और बहुत पीछे ना हो, ताकि जो हमारी एयर है वो कंफर्टेबली यहाँ तक आ सके।
तो इतना हमने सब काम कर लिया। अब मेन चीज हमारी बचती है वो है इसकी वायरिंग। वायरिंग भी बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें चार्जिंग सॉकेट से लगानी है। तो सबसे पहले हम वायर को एक काम करेंगे, यहाँ से पूरा साइड से निकालेंगे, नीचे नीचे से, ताकि वायरिंग जो है बिल्कुल भी विजिबल ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो हमने चार्जिंग सॉकेट से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हमारे पास इसका एक बटन मिलता है, अब हम उसको ऑन करते हैं एक बार, और इसमें भी दो तीन टाइप की स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले इस बटन को ऑन कर लेते हैं, और फैन ऑन हो चुका है। मैं अगर यहाँ से स्पीड चेंज करूंगा, तेज हो गया, और इस सबसे ज्यादा तेज है। मतलब मैं अगर आपको फील बताऊं ना, हाँ भाई, इसका जो है ठंडा हो रहा है पीछे से, यहाँ पे पीछे पूरा अच्छे से ठंडा कर रहा है। प्लस मैंने इस टाइप से फिट करा ताकि मेरी गर्दन में कोई भी दिक्कत ना हो, और मतलब जो इसका फ्लो है एयर का, मैं कहूंगा कि सही आ रहा है। अब देखो, मैंने आपसे पहले एक चीज कही थी कि ऐसा तो नहीं एसी चलेगा, बट हाँ वेंटिलेशन हो जाएगा। नॉर्मल फैन जैसे चलते हैं वैसी आपको एक हवा आएगी, और पीछे जो गर्मी है, जो पसीना आता है, या फिर आपकी सीट बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं पे आपकी काफी हेल्प करने वाला है। प्राइस वाइज देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि ये फीचर काफी हाई एंड फीचर है, काफी हाई एंड कार्स में देखने को मिलता है। तो ये फीचर अगर आपको मिल रहा है इतनी प्राइस में, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है। बाकी फैन की जो साउंड आ रही है वो सही है, मतलब आवाज तो है हल्की हल्की सी, ऑब्वियसली भाई फैन चल रहा है उसकी आवाज तो आएगी आएगी, पर ठीक है, मतलब बहुत तो नहीं, पर हाँ आवाज आ रही है काफी। तो मतलब भाई मेरे हिसाब से ये एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको लेदर सीट्स लगी आपकी गाड़ी में और आपको ऐसे कोई सोल्यूशन चाहिए, और हवा का मैं फ्लो बोलूँ ना, पूरा यहाँ यहाँ तक आ रहा है, बल्कि फर्स्ट स्पीड में चल रहा है, पूरा नीचे तक यहाँ यहाँ तक पूरा फ्लो मुझे को फील हो रहा है, और सीट भी मेरी काफी ठंडी लग रही है अभी। हालांकि अभी एसी चला था गाड़ी के अंदर, सीट्स तो ठंडी होंगी, पर हाँ गर्मी के टाइम पे ये अच्छा काम करना चाहिए इसने। तो ऐसा कुछ ये प्रोडक्ट था भाई, आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप भी इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है, अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं, और अपनी गाड़ी के अंदर एक प्रीमियम फीचर आप एड ऑन कर सकते हैं आफ्टर मार्केट से।